लाडली लक्ष्मी योजना। आइए बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना क्यों चर्चा का विषय है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का प्रारंभ किया गया है। प्रावधान इस कुछ इस प्रकार है। प्रदेश में बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने और अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया गया। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 से किया गया। इसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना, आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना, समाज में बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या को रोकना। आइए बात करें इसके पात्रता के बारे में। 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जन्मी बालिका, स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत बालिका, माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की बालिकाओं की स्थिति के बारे में। प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में बाल विवाह का प्रतिशत 32.3 से घटकर 23.1 रह गया है। यह परिवर्तन लाडली लक्ष्मी योजना के कारण ही संभव हो पाया है। वर्ष 2011 की जनगणना के समय प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात 919 था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो चुका है।